ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों को कहानी कैसे लिखनी है समझ में आ गई होगी। आप छठी में हो और हमारा पहला लेसन कहानी से भरा हुआ है ना। हमने एक कहानी आगे लिखी, बातूनी कछुआ। अब इसके साथ ही ये दूसरी कहानी है कौवे की। चित्र देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, आपने सुनी भी होगी, पर यहाँ हमें लिखनी है, समझनी है। अब यहाँ सिर्फ आपको चित्र दिए गए हैं, जो चित्र के हिसाब से भी यह कहानी बना सकते हो, और ज़्यादातर से रूपरेखा दी जाती है। रूपरेखा यानि गुजराती में आप मुद्दा कहते हो, मुद्दा पर्थी वार्ता लखो, कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उनमें से आपको कहानी बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी रूपरेखा लिखी है जिससे आप ध्यान में रखकर कहानी लिख सकते हो, यदि जो आपके पास चित्र न हो तो। परीक्षा में यही रूपरेखा आपको पूछी जाती है और इस पर से आपको कहानी बनानी होगी। हो सकता है चित्र भी पूछा जाए, जो चित्र पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस चित्र के हिसाब से जो रूपरेखा यह थी वही कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है हमारी प्यासा कौवा। दूसरी एक खास बात कि आपको कहानी हमने जो नोट के पीछे के भाग में 30 पन्ने छोड़े हैं और एक कहानी लिखी बातूनी कछुआ, उसके बाद नंबर 2 करके आप लिखोगे यह कहानी प्यासा कौवा। यहाँ आपको मैं समझा देती हूँ कि कहानी में क्या है। पहले तो रूपरेखा जान लेते हैं कि एक प्यासा कौवा इधर उधर उड़ना, एक बाग में सुराही देखना, सुराही यानी गड़ा जैसा होता है, वह बहुत सारे बागों में पानी पीने के लिए रखा जाता है। कोई कोई बाग में बहुत बड़ी सी टंकी होती है, यहाँ सुराही का उल्लेख है। तो सुराही देखना, पानी बहुत कम, पानी तक चोंच न जाना, कंकड़ों का सुराही में डालना, पानी का ऊपर चढ़ना, प्यास बुझना, सीख शीर्षक। यहाँ आपको सूचना दी गई है रूपरेखा के आधार पर कहानी बनाकर योग्य शीर्षक और सीख लिखिए। यानी कि यहाँ आपको शीर्षक और सीख दोनों लिखने हैं। हाँ, हमने समझ में आए तो लिखने के लिए ऊपर तो लिख दिया है प्यासा कौवा, तो किस हिसाब से, तो ये शीर्षक हमने पहले ऊपर लिख दिया है, जो आपको अंत में भी लिखना होगा, बराबर। तो अब रूपरेखा के आधार पर कहानी शुरू करते हैं। आगे भी मैंने आपको समझाया था कि रूपरेखा के ही मुद्दों को इसके अंदर आप दो दो तीन तीन वाक्य जोड़ दो तो आपकी कहानी पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर है एक प्यासा कौवा, शुरुआत कर दी है, कर सकते हो आप। एक गांव था, वहाँ बगीचा था, बहुत सारे पक्षी थे, ऐसा भी कर सकते हो आप कहानी बनाते हो, आपको जैसे भी समझ में आए आप बना सकते हो। हाँ, पर आपको इन्हीं रूपरेखा के आधार पर बनानी होगी। तो यहाँ
क्या है? शुरुआत कर दिया, एक कौवा था, है समझे? यहाँ एक प्यासा कौवा, ऐसा शुरुआत है रूपरेखा में। हमें कहानी बढ़ानी है, इसीलिए हम लिखेंगे एक कौवा था। एक दिन उसे जोर की प्यास लगी, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। देखो प्यासा कौवा है ना, तो हमने यहाँ लिखा जोर की प्यास लगी, इधर उधर उड़ना, यानी कि वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उसे कहीं भी पानी न दिखाई दिया। यहाँ पर वाक्य जोड़ दिया हमने। थोड़ी देर बाद उड़ते उड़ते वह एक बाग में जा पहुंचा। बाग में एक सुराही देखी। देखो यहाँ पर एक बाग में सुराही देखना, अब इसका बराबर वाक्य बनाना है। तो थोड़ी देर बाद उड़ते उड़ते वह एक बाग में जा पहुंचा, बाग में एक सुराही देखी, है ना? तो वाक्य कहानी के हिसाब से बनाना है इन्हीं शब्दों का उपयोग करके। वह सुराही पर जा बैठा, सुराही में पानी बहुत कम था। देखो यहाँ पर है पानी बहुत कम, तो अंदर वाक्य ऐड कर दिया हमने, जोड़ दिया। सुराही पर जा बैठा, सुराही में पानी बहुत कम था। अब परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ। कौवे ने सुराही में पानी पीने के लिए अपनी चोंच डाली, चोंच अंदर डाली पानी पीने के लिए। पानी तब चोंच न जाना, यहाँ पर तो सीधा यही दे दिया हुआ है, तो हमें उसको जोड़कर सही कहानी बनानी है, तो ये वाक्य जोड़ दिया। लेकिन पानी कम होने से पानी तक उसकी चोंच न पहुंच सकी। आया हमारा? अब क्या है? कंकड़ों का सुराही में डालना। अब इसके बीच में कुछ तो वाक्य हमें जोड़ना होगा जिससे कहानी हमारी सही और सच्ची बने। तो क्या है? कौवे को एक तरकीब सूझी, तरकीब यानी उपाय। सुराही के पास चारों ओर कंकड़ थे। देखो यहाँ पर गलती हुई, चारों ओर, और नहीं और, दिशा बताई है, इसीलिए हम एक मात्रा करेंगे। दो मात्रा करोगे तो और, ज्यादा, बहुत, कुछ और की आशा है वह, है ना? तो ऐसी गलती मत करना। कंकड़ थे, कौवा एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर सुराही में डालने लगा। देखो यहाँ पर क्या है? पानी का ऊपर चढ़ना, सुराही में डालना आ गया। एक एक कंकड़ अपनी चोंच से उठाकर सुराही में डालने लगा। इस तरह उसने कंकड़ सुराही में डाल दिए, यानी कि जितने भी आसपास कंकड़ थे वो सभी कंकड़ सुराही के अंदर डाल दिए। यहाँ उसका उल्लेख है नहीं है, फिर भी हमने हमारी कहानी सही और सच्ची बनाने के लिए ये वाक्य जोड़ दिया। पानी का ऊपर चढ़ना, अब सीधा यही वाक्य है। अब क्या है? इस तरह उसने कंकड़ सुराही में डाल दिए, थोड़ी देर में पानी ऊपर आ पहुंचा। आ गया वाक्य? फिर क्या है? प्यास बुझना। कौवे ने अपनी चोंच सुराही में डाली, ये वाक्य जोड़ दिया ना हमने, तो वह पानी तब जा पहुंची। कौवे ने भर पेट पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। आ गया वाक्य? पानी
पर कौवा उड़ गया। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है प्यास बुझना, कौवा कौवे को उड़ना, नहीं, वह आपको समझना है। आप कहानी बना रहे हो तो आपको इस हिसाब से लिखना है। अब हमें सीख कहा है लिखने के लिए, तो सीख है क्या? सीख मिलती है बोध उपदेश, क्या मिलता है? तो मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि अवश्य ही कठिनाइयों को पार करने का रास्ता सुझाती है। दिमाग लड़ाओ, एक एडवर्टाइज में आपने देखा है ना, दिमाग की बत्ती जलाओ। यहाँ पर भी हमें ये दिमाग की बत्ती जलानी है। कठिनाइयों में, मुसीबतों में हमें हार कर बैठ जाना नहीं है। थोड़ी सी दिमाग का उपयोग करें तो हमें मिल जाती। अब है शीर्षक, तो शीर्षक क्या है? प्यासा कौवा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो अब हम इसका दूसरा भी नाम दे सकते हैं, शीर्षक दे सकते हैं, कौवे की चतुराई। चतुराई बताई ना कौवे ने, कौवा चतुर था, उसने आसपास देखा, कंकड़ थे, दिमाग की बत्ती जलाई, कंकड़ सुराही में डाले, पानी ऊपर आया और प्यास बुझाई। तो हम यहाँ पर ये दो शीर्षक लिख सकते हैं, प्यासा कौवा या कौवे की चतुराई। तो अब यहाँ पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भेजी जाएगी, उनमें से आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से हिंदी की नोट के पीछे के भाग में कहानी लिखोगे। कहानी लिखते समय खास ध्यान में रखना कि आप अच्छे अक्षर नहीं करोगे तो फिर से लिखनी पड़ेगी। आगे अगले वीडियो में हम और एक कहानी देखेंगे कि क्या है। ओके, थैंक यू।